हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे इसकी जो फाइनेंशियल डिटेल है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको वीडियो की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। आज आते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के स्टॉक में। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि HAL का जो स्टॉक है करेंटली ट्रेड हो रहा है 4657 रुपए के आसपास। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 1% का गिरावट देखने को मिला है और ये जो मार्केट कैप होल्ड करता है 3,11,000 करोड़ का मार्केट कैप होल्ड करता है। प्राइस इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ पे 5675 रुपए था और अभी यहाँ पे 4657 पे ट्रेड कर रहा है और इस साल का जो लो था 1768 रुपए के आसपास था। बुक वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 434 देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 37.9 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.75% अपने शेयर होल्डर को ये प्रोवाइड करता है और अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट करता है वो 38.9 है और इक्विटी पे यहाँ पे 28.9 है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 5 देखने को मिल रही है। ये थी यहाँ पे जो बेसिक डिटेल आउटलुक डिटेल जो है तो वो चीज़ यहाँ पे थी। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं 10 साल का तो जनरली ये ट्रेड होता था 13 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे और अभी यहाँ पे 3 times ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्केट ने ही इसको प्रीमियम दिया है और मार्केट ही प्रीमियम छीन लेगा या फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक टाइम करेक्शन कराएगा जब तक प्रीमियम बैलेंस नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि HAL जो इसने हाई बनाया था वो दोबारा हाई को टेस्ट भी नहीं कर पाया है। एक बार जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन अच्छा ड्रास्टिकली मूवमेंट हुआ था, उसके बाद ये प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पूरा का पूरा यहाँ पे प्राइस डाउनसाइड फिर से देखने को मिल गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्स की। पीयर्स में कौन कौन से हैं, भारत डायनेमिक्स है, BEML है, मदर टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे डिफेंस के देखने को मिल जाएंगे। मेन मुद्दे की बात है सेल्स की, तो सेल्स अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स अच्छा खासा डाउन हुआ है। 14,769 करोड़ से डाउन होके 4,348 करोड़ यहाँ पे आया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,915 करोड़ था, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स बढ़ी है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रास्टिकली सेल्स में ड्रॉप देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे टोटल यहाँ पे 994 करोड़ आया है जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 5,896 करोड़ आया था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कितना आया था 880 करोड़ के आसपास। अदर इनकम हाइजेस्ट वर यहाँ पे देखने को मिल रही है 738 करोड़ के आसपास और डिप्रिसिएशन भी यही आप देख सकते हो 149 करोड़ के आसपास डिप्रिसिएशन आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है यहाँ पे कंपनी का वो यहाँ पे 1582 करोड़ आया था, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 5778 करोड़, तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जंप हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1089 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला है। टैक्स देने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना आया है 1436 करोड़ के आसपास। कंपनी ने इस क्वार्टर 9% ही टैक्स पे किया है और लास्ट क्वार्टर कितना आया था प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 4292 करोड़ के आसपास। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कितना आया था 814 करोड़ के आसपास, तो ये देख सकते हो। अब बात करते हैं हम ईयर वाइज क्या हुआ है। सेल्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है और अदर इनकम थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है जिसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी सिमिलर रेशियो में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे टैक्स भी कंपनी ने कम पे किया है। तो ये था यहाँ पे फाइनेंशियल। बैलेंस शीट भी देखना बहुत जरूरी है कि रिजर्व यहाँ पे कंपनी के पास कितना है, तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो कितना है करीबन यहाँ पे एक मिनट, कंपनी के पास जो रिजर्व है वो करीबन यहाँ पे 28,700 करोड़ के आसपास है। कंपनी के पास जो उधारी थी
5 या 6 हजार करोड़ की, तो वो यहाँ पे कंपनी ने हटा ही दिया है बिल्कुल। 49 करोड़ के आसपास यहाँ पे उधारी बची हुई है। और बात करें हम यहाँ पे फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। पहले 7158 करोड़ हुआ करता था, फिर अभी जो है 6730 करोड़ के आसपास है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कंपनी ने पैसा डाला है 2492 करोड़ के आसपास। इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो है वो यहाँ पे 1497 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स डाउन हुई है और स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो डिफेंस को अभी मार्केट ने प्रीमियम दिया है, तो डिफेंस यहाँ पे अपने पीक लेवल पे है, कामकाज कर रहा है। हाई पीक लेवल के प्राइस टर्निंग रेशियो पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंस के स्टॉक में बच के चलना चाहिए। अगर आपके पास नीचे के लेवल पे बाइंग है तो होल्ड करके चल सकते हैं, बट बाइंग यहाँ पे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारी रिकमेंडेशन भी नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई सजेशन है। मैं ये बताता हूँ कि टॉप के लेवल पे कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि टॉप के लेवल पे दिक्कत आ सकती है। जैसे सेल्स में गिरावट होने लगी, आपने देखा ही है। इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं कि जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कौन कौन से हैं। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 71.64% है। FII के पास जो होल्डिंग है 11.68% है। DII ने अपना ऑफलोड कर दिया माल और देख सकते हैं 8.81% होल्डिंग है। पब्लिक के पास 7.86% होल्डिंग है। तो अभी यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। अब जब यहाँ पे FII भी बेचना चालू करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग जो है काफी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। फाइनेंशियल हमारे हिसाब से थोड़े से वीक आ रहे हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते आने वाले क्वार्टर में तो यहाँ पे प्राइस में गिरावट भी तेजी से देखने को मिल सकता है, और नीचे आके 4000 के लेवल भी ये टेस्ट कर सकता है। तो आपको कैसे लगे फाइनेंशियल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।